السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد آج دور علوم شرعية أمار فقه الصلاة من شاء الله का दर्श में हमने का पीर के दिन हमने नमाज के अरकान लिए थे और उसके बाद वाजबात और शुरूत नमाज़ के बारे में ज़िक्र किया था कि अगले दर्श में इन शाला इनको लेंगे तो नमाज के अरकान हमने जिक्र किए थे कि उलमा कि़लमा नेमूम नमाज के चौदह अरकान का ज़िक्र किया है और ये भी बयान हुआ था कि अरकान ही को बादल ने फ़राइज का नाम दिया है यानी फ़राइज़ या अरकान एक ही चीज़ है उसमें जो अरकान हैं वो या फ़रज़ हैं कि नमाज में हसब कुदरत क़्याम करना और तकबीर उला कहना तकबीर तहरीमा कहना और रुकू करना और रकू के बाद पैम करना इसको हमारे यहाँ कौमा का नाम दिया जाता है और उसके बाद सजदा करना सात आज़ा पर और फिर दोनों सजदों के दरमियान बैठना और फिर आखिरी तशाहत के बैठना और तशाहत पढ़ना और नबी करीम अलैहि वसल्लम के ऊपर तो दरूर पढ़ना और फिर दोनों तरफ सलाम फेरना इन तमाम आमाल को इत्मीनान से करना और उसी तरतीब से करना जिस तरह के अहादीस में वारद है तो ये चौदह अरकान या फ़रज़ हैं नमाज के जो अमूमन ज़िक्र किए हैं उसके बाद मसला नंबर नाइन्टी नाइन में वाजबात नमाज के नमाज़ में क्या क्या चीज़ें वाजिब हैं तो तोमा ने जिन जिन चीज़ों को वाजिब करार दिया है और फ़र्क़ किया है फ़राज़ और वाजिबात या अरकान या वाजबात के अंदर इस लिहाज से कि फ़ायद वो चीज़ें हैं या अरकान वो चीज़ें हैं कि जिनको हक़ कीमत नमाज़ में करना ज़रूरी है और जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं है और वाजिबात वो चीज़ें हैं कि अगर छूट जाती है कोई चीज़ भूल कर तो सदा साहब से भी वो पूरी हो जाती है यानी अगर भूल कर छूट जाती है तो उसे करने की ज़रूरत नहीं है उसमें तकबीरात हैं नमाज़ की तकबीर उला के अलावा तकबीर तहरीमा तो फ़र्ज़ है लेकिन बाकी तकबीरात उसके बारे मेंलमा का कहना है कि ये वाजबात में से है इसी तरह रुकू से उठते हुए समय अल्लाह हमिदा और रबनाल कल हमद कहना और रुकू में सुबहान अजीम और सजदों में सुबहान रबी आला कहना और दोनों सजदों के दरमियान बैठते हुए दुआ पढ़ना यानि बैठना तो फ़र्ज़ है लेकिन बैठ के दुआ पढ़ना रबली या दूसरी बात जो अहादी से दुआ वारद हैं और पहला शाहद बैठना और पहलात बैठ कर यानी वो शाहद पढ़ना तो ये जो हैं जिनको लबा ने वाजबात तो नमाज का नाम दिया है जबकि हमने तकबीरात का जिक्र किया है कि नमाज की तकबीरात को लमा ने वाजिब कहा है लेकिन नमाज ईद की या नमाज इस में जो ज़्यादा तकबीरें हैं जो बारह तकबीरें हैं सात तकबीरें पहली रकत में और पाँच दूसरी रकत में तो ये तकबीरात जो हैं वो लम्बा माते हैं कि ये सुन्नत के हैसियत से हैं अगर आदमी छोड़ भी दे या छूट भी जाए तो उसकी नमाज़ मकमल है तो हम इन चीज़ों का इंशाल्लाह आगे चल कर नमाज के सिफत बयान करते हुए नमाज की कैफियत बयान करते हुए तफसील से जिक्र करेंगे आज हम जिन चीज़ों का तफसील ज़िक्र करने वाले हैं वो नमाज़ के शुरूत हैं शर्त क्या चीज़ होती है शर्त वो चीज़ है कि जिस पर किसी भी इबादत का दारोमदार है अगर वो चीज़ पाई जाती है तो इबादत सही है और अगर वो चीज़ नहीं पाई जाती तो ये बात सिरे से मौजूद ही नहीं या उस वो सही नहीं और ने नमाज की नौशरूद का ज़िक्र किया है जिनका अजमाली तौर पर हम जिक्र करते करते हैं कि सबसे पहले इस्लाम है और फिर अकल है यानी नमाज पढ़ने वाला अकलमंद हो तमीज़ है यानी बच्चा अगर है तो इतनी उम्र का हो कि उसको समझदार समझदार बत, समझ हो समझ बूझ हो नमाज़ की चौथी शर्त जो है वो तहारत है जिस तहारत में वजू गुसल या तमम है और पाँचवीं शर्त जिसम कपड़ों और जगह की पाकिजगी है और छठवीं शर्त जो है वो सत्र का ढांपना है और सातवीं शर्त नमाज का वक़्त दाखिल होना और आठवीं शर्त नमाज में किबला रुख होना और नौवीं शर्त जो है वो नियत करना और ये शुरूत वो है जो सभी की सभी नमाज से ख़ारिज है यानी खारिज होने का माना कि नमाज शुरू करने से पहले पहले तकबीर तहरीमा कहते हुए या कहने से पहले ये सारी शुरूत जो है यानी इंसान के साथ होनी चाहिए इसकी तफसीलात ये हैं कि इस सबसे पहली शर्त इस्लाम है यानी नमाज पढ़ने वाला सही हो रक़ीदा मुसलमान हो यानी जब तक कोई काफ़र है अगर है जब तक वो इस्लाम दाखिल नहीं हो जाता कलमा नहीं पढ़ लेता शहादतैन की गवाही नहीं देता अल्लाह ताला की वहदानियत की और रसूल करीम सल्लाम के रसाल की गवाही नहीं दे लेता, जब तक उस वक़्त तक उसका नमाज़ पढ़ना उसका कुछ फ़ायदा नहीं रोज़ा रखना उसका कुछ फ़ायदा नहीं इस्लाम की तमाम जितने भी इबादात हैं उनका दारदार सबसे बुनियादी चीज़ ईमान पर है तो जब तक कोई इस्लाम में दाखिल नहीं हो जाता अगर कोई खुला काफिर था तो जब तक इस्लाम कबूल नहीं कर लेता कलमा नहीं पढ़ लेता उस वक़्त तक उसका कोई इबादत करने का उसको कोई फ़ायदा नहीं और ना ही वो इबादत उससे जानों में उससे अदा होगी और अगर कोई पहले से अपने आप को मुसलमान कहलाता है लेकिन उसके अक़दे के अंदर कुछ शिरया तस्वरत हैं अल्लाह को छोड़कर औरों को पुकारने के अल्लाह से हटकर औरों से फ़र्यादें करने के और अल्लाह को छोड़कर औरों से हाजत रवाई मुश्किल कुशाई की उम्मीदें लगाने के अल्लाह के अलावा औरों को अपने गौस दाता और इस तरह के उनको लकब देकर उनसे अपना अक़ीदा बनाने के तो ऐसे शख्स की भी ज़रूरत है कि अपने अकीद को सही करे क्योंकि अगर उसके अकीदे के अंदर इस तरह के मुशरकाना किस्म के तस्वरत हैं तो अगरचे वो कलमा पढ़ता होगा अगरचे अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान का दावेदार होगा लेकिन उसकी कोई भी इबादत अल्लाह के हाँ ना कि सिर्फ़ काबिल कबूल नहीं बल्कि उस इबादत का कोई अतबार ही नहीं है उसकी दलील क़ुरान सनत से अल्लाह त फ़रमाया काफ़रों के बारे में मुनाफ़ों के बारे में सूरत वबाब ममाम अन तकबल अमिन हम नफ़ात हम अल्लाह कफ़ारोबिल्ला बसूल तो अल्लाह ने इन काफ़र मशरकों के सद के ख़ैरत को क्यों कबूल ना किया क्योंकि इन्होंने अल्लाह उसके रसूल से कुफर किया अब उनका कुफर क्या था क्या अल्लाह को मानते नहीं थे कि अल्लाह तब है ऐसी बात नहीं है कुरानी क्रीम को उठाकर देखें एक नहीं बल्कि दसियों आयात में आपको मिलेगा कि बजा मश्रकिन मक्का से कहा जाता कि कौन है जिसने आसमान ज़मीन को पैदा किया है कौन है जो तुमको रोज़ी देता है कौन है जो ज़िंदा करता और मारता है और कौन है जो बारिशें बरसाता है और कौन है जो कायनात की तदबीर करता है और तरह तरह के इस तरह के उनसे सवाल किए जाते तो आगे उनका जवाब क्या होता कि सभी कुछ करने वाला अल्लाह है इसका माना कि अल्लाह को मानते हैं और सिर्फ़ मानते ही नहीं बल्कि उनकी तरह तरह की इबादतें भी थे लेकिन जब उनका अल्लाह का मानने का और इबादतें करने के साथ साथ अल्लाह के साथ औरों को शरीक करने का अंदाज़ था तो अल्लाह ने उनको खुले तौर पर दो टोक तौर पर काफर करार दिया और को, उनकी किसी इबादत का कोई एतबार नहीं किया और पे नबीम को तो उनके ख़िलाफ़ जंग और जिहाद करने का हुक्म दिया और जो उनमें से इस कुफर पर मर गया उसके साफ़ तौर पर जहनवी होने का फ़ैसला सुनाया तो हमें इस बात से यानी मुशरीकीा के इस चीज़ से क्या पता चलता है कि सिर्फ़ ख़ाली ईमान का दावा काफ़ी नहीं जब तक वो ईमान सच्चा और ख़ालस ईमान न हो शर्क़ से पाक ना हो और शिरक की गाजतों से जब तक वो महफूज ना हो उस वक़्त तक जो है ख़ाली ईमान का दावा ये सिर्फ़ आज के मुसलमान नहीं बल्कि हर ज़माने के नबियों के दुश्मन भी करते रहे हैं यानी आपके सबका का तारीख को उठा कर देखें कुरान करीम में अल्लाह ने नूसलम से लेकर मुख्तलिफ कौमों के बाक़्यात बयान किए हैं कोई कौम आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जो अल्लाह को अपना रब ना मानती हो यानी कोई भी कौम जो नबियों के दुश्मन थी काफ़र थी जिनको अल्लाह ने काफर करार दिया जिनके ऊपर अल्लाह ने आदाब नाज़ल करके उनको तबाह बर्बाद किया हला किया कोई भी कौम ऐसे ऐसी ऐसी न थी कि जो अल्लाह को अपना रब ना मानती थी लेकिन उनका जुर्म क्या था उनका जुर्म यही था कि अल्लाह को रब मानने के साथ साथ अल्लाह के साथ शिर करना इसलिए हमने सबसे पहली शर्त ये सिर्फ़ नमाज के हवाले से नहीं बल्कि हर इबादत के लिए बुनियादी शर्त है कि इबादत करने वाला आदमी मुसलमान हो सही सहीदा हो उसके ईमान में कुशर की मिलावटें इसके आलायश ना हों और शिरक ऐसा घरौना जुर्म है कि जिसके करने से न कि सिर्फ़ इबादत कबूल नहीं होती बल्कि अगर आदमी शर्क कर बैठता है तो उसके साब का तमाम आमाल भी बर्बाद हो जाते हैं उसी के बारे में अल्लाह ताली ने कुरान करीम में एक से ज़्यादा आयतों में इस चीज़ का बयान किया है सूरतनाम में अल्लाह ने अठारह नबियों का ज़िक्र किया और उनका ज़िक्र करके क्या फ़रमाया भला उशरकू लाबी त हम माँ काम आमलूँ अगर ये नबी रसूल भी कुछ श्रक कर बैठते तो लाबिता हम यकीन बर्बाद हो जाता मा कामुन जो वो अमल करते थे यानी उनकी नेकियाँ उनके अमाल सभी के सभी तबाह व बर्बाद हो जाते वजह से शिर करने से और इसी तरह सूर उम्र में अल्लाह अल्ला नबी करीम वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया व मिन कब्लिक लिन अमलुक के यक़ी आपकी तरफ और आपसे पहले अम्बिया की तरफ इस बात की वही की गई कि अगर शिर करोगे अमलुक यकीन ज़रूर तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे तो इससे मालूम क्या हुआ कि किसी भी इबादत के लिए सबसे पहली और बुनियादी शर्त जो है वो इस्लाम है ईमान है तोहद है सच्चा अक़ीदा है कि जिसके बग़ैर कोई इबादत काबिल कबूल नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ उसके यहाँ उस इबादत का कोई एतबार ही नहीं और ये बात में इसलिए थोड़ा इस पर तवज्जो दिला रहा हूँ क्योंकि नमाजें पढ़ने वालों में से ही बहुत सी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो नमाज की बड़ी पाबंदी है रोज़े बड़े पाबंदी के साथ रखेंगे और ज़कवात और सद के खैर की बड़ी उनकी और इस चीज़ पर उनको तोजह होती है और हजुमरे भी बड़े करते हैं लेकिन इसके साथ साथ ऐसे ऐसे शिरक में मुबतला है कि जो इंसान को दीन से खारिज कर देता है और बल्कि बात अगर उनके हालात पर गौर से नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि मुशर्किन मक्का से बढ़ कर शिरक है मैंने मुशरी मक् के बारे में कुरानी करीम जगह जगह बयान किया है कि जब मुश्किल आती तो अपने सारे मबूदों को भुला कर सिर्फ़ अल्लाह को पुकारते लेकिन आज के बहुत से कलमा पढ़ने वाले इस तरह के लोगों के बारे में हम सुनते और देखते हैं कि जो मुश्किल में भी एक अल्लाह की तरफ नहीं लौटते मुश्किल में भी अपने उन्हीं मबूदों को पुकारते हैं कि जिनको उन्होंने अपने मुश्किल को शाहजतवा बना हाजत बना रखा होता है कहने का मकसद ये वो चीज़ है जिसको हमें सभी को समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि अगर वो चाहते हैं उनकी बातें अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और वो क्यामत के दिन अल्लाह के यहाँ कामयाबी पाकर जनतों को जाए तो ज़रूरत है अपने अकायद को सही करने की और शर्क की गलातों से निकलने की तो इसलिए हम बात कर रहे थे कि नमाज की सबसे पहली शर्त जो है वो क्या है इस्लाम है और इस्लाम का माना कि आदमी सही औरदा मुसलमान हो मुसलमान हो लेकिन सही अदा मुसलमान हो सिर्फ़ बरा नाम मुसलमान ना हो कि जिसके इस्लाम के अंदर तरह तरह, तरह के शर की मिलावटें हैं उसके बाद एक सौ दो नंबर मसला में दूसरी शर्त क्या है कि नमाज पढ़ने वाला अकलमंद हो इन अकलमंद होने का माना मजनून पागल ना हो कि या तो वैसे ही मजनू पागल है कुल तौर पर कि जिस पर अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज ही नहीं किया बल्कि कोई भी इबादत तो उस पर फ़र्ज नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है रूफ़ अल-क़लम रूफ़ालक़लम वनसरासा आन ना हक़ व आने सबी हतलम व आन मजनू हत्या आक़िल कि तीन तरह के लोग हैं जिनसे अल्लाह ने कलम को उठाया हुआ है और कलम उठाने का माना कि उनकी कोई नेकी बुराई नहीं लिखी जाती क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनके कोई भी अमल जो है उनके इख्तियार से बाहर है कौन है अन ना हक़िर सोया हुआ आदमी जब तक वो जाग नहीं जाता क्योंकि सोया हुआ उसको कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ मान सभी तरम और अब्लो के बच्चा जब तक बालग नहीं हो जाता उस पर दीन का कोई कोई इबादत उस पर फ़र्ज नहीं होती और पागल मजनून जब तक उसको अकल नहीं आ जाती उसकी अकल सही नहीं हो जाती उस वक़्त तक कोई इबादत उस पर फ़र्ज नहीं है बल्कि फ़र्द होने के अलावा बल्कि अगर कोई करता भी है इबादत तो उसकी इबादत किसी उसका इबादत का कोई अतबार नहीं तो यहाँ पर हमें इस बात की समझ तो आती है कि अगर कोई आदमी पागल है या मजनून है या कोई इस तरह का शख्स है या छोटा बच्चा है बिल्कुल बेसमझ तो उसकी इबादत का ना होना तो समझ आता है ये तो वाजह है लेकिन इससे मिलते जुलते बाद उसे मसाइल हैं कि जिसमें बाद आदमी बेहोशी की हालत में होता है बाल कौमे में चला जाता है और कई कई हफ्तों महीनों बल्कि सालों तक वो कौमे पड़ा रहता है और बाल अवात किसी को कोई आदमी वैसे बेहोश कर दिया जाता है उसकी ऑपरेशन के लिए किसी ट्रीटमेंट इलाज के लिए उसको बेहोश कर दिया जाता है तो इस बेहोशी की हालत में उसकी जो नमाजें छूटती हैं उसका क्या हुक्म है तो इसको समझने के लिए हमें जानने की ज़रूरत है कि बेहोशी की दो कैफियतें हैं जो बयान की हैं और दोनों के हुक्म में फ़र्क किया है कि अगर तो बेहोशी ऐसी हो कि जो इंसान के इख्तियार के बगैर हो यानी बीमारी की वजह से किसी और की वजह किसी और चीज़ की वजह से उसके ऊपर बेहोशी तारी होगी कौम में चला गया यानी खुद उसने अपने आप को बेहोश नहीं किया या किसी ने उसको बेहोश नहीं किया बल्कि उसके बग़ैर इख्तियार के अल्लाह की तरफ़ से बीमार होने की वजह से उस पर बेहोशी तारी हो गई तो ऐसी बेहोशी में जो, जो नमाज़ें छूटती हैं इबिन वसैमी रहमत अलैह और दूसरे लमा का कहना है कि ऐसी बेहोशी में छूटी हुई नमाज़ें उसको कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस हालत में उसका हाल वही है जिस तरह के कोई आदमी पागल हो या बेअल हो जिसको अकल नहीं है और उसका ये बेहोश होना उसके अपने इख्तियार से नहीं था बल्कि अल्लाह की तरफ़ से बीमारी की वजह से वो बेहोश हुआ है तो ऐसी हालत में उसको नमाजें दो यानी कि क़दा करने की ज़रूरत नहीं जो नमाज़ें उसकी छूट गई हैं चाहे अपने बात रहमत तो लफमाते हैं कि अगर दो तीन दिन की नमाज़ें हैं तो दोहरा लेनी चाहिए लेकिन अगर ज़्यादा दिनों की हैं तो अगर दो तीन दिन की, की नमाजें हैं तो क़़ा कर लेनी चाहिए अगर ज़्यादा दिनों की हैं तो उनको क़़ा करने की ज़रूरत नहीं और दूसरी बेहोशी की वो कैफ़ीत है कि जब इंसान ख़ुद जो है अपने आप को बेहोश करता है या उसको किसी इलाज मुआवजे के लिए बेहोश किया जाता है जिस तरह की अनिस्सिया और इस तरह की चीज़ें उसको देकर बेहोश किया जाता है तो ऐसी बेहोशी जो है उसमें में छूटी हुई नमाजें उनको कज़ा करना होगा क्योंकि इस बेहोशी में इंसान जो है उसने ख़ुद अपने आप को बेहोश किया है या उसको उसके इख्तियार से बेहोश किया गया है इलाज मुआवजे के लिए तो ये चूँकि इंसान का अपना फ़ेल है अपनी तरफ़ से है तो ऐसे ही हालत में उसकी जो नमाजें छूटेंगी उनको उससे क़दा करना होगा तो ये है दूसरी शर्त जो जिसका ताल्लुक अक़ल के साथ है तो उसमें हमने जो तफस जिक्र की है कि इसी में बेहोशी का मामला भी आता है और बेहोशी की तफसील हमने जिक्र की है कि अगर तो वो अल्लाह की तरफ से है बीमारी की कैफियत में है तो उसमें जो हुन और अक्सर का यही रहे हैं कि उसमें छूटी हुई नमाजों को क़दा करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आदमी ख़ुद बेहोश होता है कुछ चीज़ खा पी कर या उसको बेहोश किया जाता है इलाज मुआवजे के लिए तो ऐसी हालत में छूटी हुई नमाज़ें जो हैं, उनको कदा करना होगा उसके बाद तीसरी शर्त है जो मसा एक सौ तीन में है कि तमीज़ और इससे तमीज़ से मुराद यानी ऐसा बच्चा जो इस उम्र को पहुंचा हो कि जिसको नमाज के अहकाम का पता हो नमाज के समझ बूझ हो पता हो कि नमाज क्या होती है और किस तरह अदा करनी है क्योंकि बच्चों की हम हालतों जानते हैं कि बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तीन चार साल के दो तीन साल के जिनको कोई समझबूझ नहीं होती तो उसके बाद कुछ साल बाद सालों के बाद बच्चे को समझबूझ हासिल होती है और अमूमन इसकी उम्र क्या है इसकी उम्र सात साल है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फमाया मरू उलादुम बसती वबना उसब ए सीन कि जब तुम्हारे बेटे सात साल के तुम्हारे बच्चे सात साल के हो जाएं तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चे की नमाज़ पढ़ने के लिए सात साल की उम्र में उसको पढ़ने का हुक्म दिया तो इसका माना क्या है कि ये वो उम्र है कि जिसमें बच्चे को तमीज़ हासिल हो जाती है और इस उम्र में अगर वो नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज सही है हाँ फ़र्ज नहीं है फ़र्ज उस वक़्त होगी जब बालग होगा लेकिन इस उम्र में उसको नमाज़ पढ़ने का हुक्म देना चाहिए ताकि उसकी नमाज़ पर तरबियत हो और अगर दस साल का होकर भी नमाज़ नहीं पढ़ता उसमें गफलत करता है सुस्ती करता है तो आप माते हैं कि क्या ताकि उसको सख्ती से यानी कि उसको पटाई करके भी उसको नमाज़ पढ़ने के लिए आमादा करो तो इससे मालूम हुआ कि अगर बच्चा सात साल का है या सात आठ साल का तो उसकी नमाज सही है और इसीलिए हमने ज़िक्र किया था का दस में या सबका बाद रूस में कि अगर बच्चा जो है वो तमीज़ की उम्र को पहुंच जाता है सात आठ साल का हो जाता है तो उसकी अपनी नमाज भी सही है और अगर वो लोगों को इमामत करवाता है तो उसके पीछे नमाज हो सकती है नमाज पढ़ी जा सकती है वो चाहे वह त्ररावी में किसी नफर नमाज़ में इमाम करवाता हो या हती के फ़राइज में भी और हमने उसकी दलील दी थी अमर बबिन सलमजुर या अम बबिन सलमान जुरमी वो सहाबी के जो अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं सात या आठ साल का था कि जब अपनी कौम के लोगों को मैं जमात करवाता था तो और नबी के किन्सलम के सामने और आपके होते हुए चीज़ हो रही थी अगर ये चीज़ गलत होती तो आप उसको मना करते और उनको बताते कि बच्चा नाबालिग है इसकी नमाज इसके पीछे तुम नमाज ना पढ़ो तो खैर कहने का मकसद है कि अगर बच्चा तमीज़ रखता है तमीज़ रखने का माना इस उम्र को पहुंच जाता है कि जिसको जिसे नमाज की समझ बूझ है तो उसकी अपनी नमाज़ भी सही है और उसके पीछे अगर कोई नमाज़ पढ़ता है उसकी इमामत में तो उसकी भी नमाज उसके पीछे हो जाती है और उसके बाद एक सौ चार नंबर मसला में चौथी शर्त का बयान है तहारत का और तहारत के हवाले से हम जानते हैं कि दो तरह की तहारत है एक तहारत जिसको हम वजू गसल या तयम वगैरह का नाम देते हैं और दूसरी तहार जिसका एक सौ पाँच में जिक्र आता है जिसम के कपड़ों की और जगह की पाकिदगी तहारत का अरबी में ने इन दोनों में फ़र्क किया है जो चौथी तहार जिसको हम जहार तहारत का नाम दे रहे हैं इसको कहते हैं रफुलत रफुलत रफु के मानी कि आदमी अगरचे उसके जिसम पर कोई कपड़ों पर कोई नजास्त को गलाजत तो नहीं है लेकिन बे बेवजू है बग़ैर वजू के है या जनाबत की हालत में है कि जिसमें आदमी को वजू करना होता है या गसल करना होता है और अगर वजू गसल नहीं कर सकता पानी ना होने की वजह से या पानी इस्तेमाल ना कर सकने की वजह से तो फिर उसे तैमुंग करना होता है इसका इन शाम आगे चल के तैम के मिसाल में तफसर में ज़िक्र करेंगे तो बात कर रहे थे इसको रफ़ालहदस यानी हदस यानी वो हालत जिससे नमाज नहीं हो सकती उसको दूर करना और वो हालत क्या है कि बग़ैर वू के होना या अगर गसल की ज़रूरत है तो गसल करना उसी के बारे में अल्लाह ताला का फ़रमान है यादीना आमनकुम तुमिलत फ़्रशिल वजूकुम लड़माफिकम व अर्जुलकुमे लड़का बीन आयद के आखिर तक अल्लाह ने तफसीर जो जिक्र की हैं वधु करने का हुक्म दिया पहले और फिर मायाक तुम जूनुम फ़त्त हारू अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गसल करो और अगर तुमको पानी नहीं मिलता या पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तुम बीमार वगैरह इस तरह की कैफियत में हो तो फिर तयम करो तो अल्लाह ने इस आयत में वजू के गुसल के और तयम के अहकाम का जिक्र किया और ये कोई शक नहीं कि नमाज के लिए शर्त है रसूल करीम सल वसम का फ़रमान है ला तकबल सलादीकम इहदस तयत वाह अगर तुम में से किसी का वजू टूट जाता है तो जब तक वधु ना कर ले उसकी नमाज नहीं होती अगर किसी का वधु ना हो तो जब तक वधु ना कर ले उसकी नमाज नहीं होती सही मुस्लिम केदीस में आपने वधु को नमाज के लिए शर्त करार दिया और अगर गसल की जरूरत हो तो तब भी गसल करना ज़रूरी होगा और अगर पानी ना मिलता हो या पानी इस्तेमाल न कर सकते हों तो फिर वधु या वसल की जगह पर तयम करना होगा तो ये जिसको रफुल हदसत का नाम दिया जाता है यानी वजू करना या गसल करना अगर गसल गसल की ज़रूरत है और अगर ये दोनों चीज़ें मुम करना हो तो फिर तयम करना उसके बाद एक सौ पाँच में पाँचवीं शर्त जो है जिसम कपड़ों की और जगह की पाकिजगी जिसम पाक हो कपड़े जिनमें नमाज पढ़ रहे हैं वो पाक हो और जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो ये वो तहारत है कि जो वजुसल से बढ़कर है उससे अलग है जिसम का पाक होने का मानी कि जिसम के ऊपर ज़ाहरी तौर पर कोई गलाजत को नजासत न लगी हो एक तो जनाबत है जिसका हमने पिछले मसले में जिक्र किया है जिस पर गसल की ज़रूरत है लेकिन यहाँ पर जिसम के पाक होने का माना कि जिसम पर हरी तौर पर कोई नजास्त गलाजत ना लगी हो कोई नापाक चीज़ ना लगी हो क्योंकि अगर जिसम पर कोई नापाकी लगी है उसको नमाज से पहले दूर करना ज़रूरी है और नापाकी के साथ अगर नमाज पढ़ लेते हैं और पता भी है कि जिसम पर नापाकी लगी है तो नमाज़ नहीं होगी उसकी दलील जो है सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस के रसूल करीम वसल्लम दो क़बरों के पास से गुज़रे तो आप मैं इन न हम कि इन दोनों क़बरों वालों को आदाब हो रहा है आदाब की वजह क्या है आप मैं एक उन इन दोनों में से एक जो था वो क्या था का नलायस्ताबाउल वो पेशाब की छीटों से परहेज़ नहीं करता था या नापाकी से नहीं बचता था तो इसलिए जिसम को पाक करना ज़रूरी है इसी तरह जिसम की पाकीजगी के साथ साथ कपड़ों की पाकीजगी भी ज़रूरी है यानी जिन कपड़ों में नमाज पड़े हैं चाहे वो शलवार कमीज़ हो या अंडरवे यानी कि अंदरूनी कपड़े हों बुनियान वगैरह इस तरह की चीज़ें या कोई और ऊपर कुर सर पर टोपी रुमाल लिया हुआ है जो भी कुछ है जो भी कपड़ा पहना हुआ है हती के पाँव में जराबे मोज़े पहने हैं तो इन सभी कपड़ों का जो जिसम पर पहने गए हैं इनका पाक होना ज़रूरी है और उसकी दलील क्या है अल्लाह ताला का फरमान वसी बका फताहिर और अपने कपड़ों को पाक करो और इसी तरह जिस जगह पर नमाज़ पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना भी ज़रूरी है जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही है उस जगह का भी पाक होना ज़रूरी है और पाक होने के लिए सिर्फ़ इतना इलम हो कि इसमें ना पाकि नहीं कोई जगह पर और ना हमें लोगों से जाकर कोई तहकीक करने की ज़रूरत नहीं कि जगह कैसी है कैसी नहीं हम ज़ाहिर देखेंगे अगर जगह साफ़ पाक नजर आती है तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं क्योंकि नबी करीम सल वम को अल्लाह ने जिन खसूसियात से नवाज़ा है उसमें से एक क्या है वजूाला इतनी अलरतमस्जिद व तहू रहा आप मैं कि अल्लाह मेरे लिए पूरी रुव ज़मीन को मस्जिद यानी नमाज के जगह और तहारत का दरिया बना दिया है तो कहने का मकसद कि जिस जगह पर नमाज़ पढ़ी जाती है वो जगह भी पाक हो और इसके बारे में अल्लाह तक का फरमान है व तो हिर बल्क् तॉआफी वल्कामी वर्रका सजूद इब्राहिम सलाम को अल्लाह तकम देते हुए फरमाते हैं कि मेरे घर को पाक करो नवाफ़ करने वालों और क्याम करने वालों और रुकू सजदे करने वालों के लिए यानी बैतल्ला को मस्जिद हराम को पाक करना तो इससे मालूम क्या हुआ कि जिस जगह नमाज पढ़ी जाती है वो जगह भी पाक हो यहाँ पर थोड़ा सा हम तफसील में जाना चाहेंगे कि बाल अवत मस्जिद तो अल्लाह के फजल से पाक होती हैं लेकिन घरों में बालाओत ख़ास तौर तो पर अगर छोटे बच्चे हों तो कहीं पर पेशाब वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं या कर देते हैं तो उसके जगह के बारे में क्या हमको करना चाहिए अगर तो फ़र्श है तो जाहिर बात पानी बहाने से वो जगह पाक हो जाएगी अगर मिट्टी है तब भी वहाँ पर पानी डालने से पा जगह पाक हो जाएगी रसूल करीम सल नबी में तशरी फरमा थे एक बद्दू देहाती आया और बैठा रहा थोड़ी देर उसके बाद उसको पेशाब की हाजत हुई तो उठा और मस्जिद में एक तरफ़ जाके उसने पेशाब करना शुरू कर दिया लोगों ने उसको डांटना चाहा लेकिन अल्लाह के साहब लोगों को रोका कि उसको कुछ नहीं कहो उसको छोड़ो उसके हाथ पर जब उसने पेशाब कर लिया तो आपने साहबा को हुक्म दिया कि जहाँ पर इसने पेशाब किया है वहाँ पर पानी की एक बाल्टी डाल दो और इसी पर आपने इतफा किया यानी उस मिट्टी को निकालना फेंकना इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ उसके पेशाब की जगह पर पानी डालने का हुक्म दिया और इसी से इसी चीज़ को आपने उसको जगह को पाक होना करार दे दिया तो बात कर रहे थे कि अगर तो मिट्टी है तो वहाँ पर मट्टी पर पानी डाल दिया जाए पानी अंदर जदब हो जाएगा और वो जगह पाक हो जाएगी अगर कोई फ़र्श वगैरह है तो उसको भी पानी बहा कर धो दिया जाए अगर कोई कालीन कारपेट वगैरह इस तरह की जगह हैं इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर उनको भी पाक करना होगा साफ़ करना होगा यानी अगर धोने की ज़रूरत है तो मुमकिन है बात तो उसको धोना पड़े तो अला कुल हाल घरों में खसूस और आजकल चूँकि नमाजें घरों में पड़ी जा रही हैं इसलिए इस मसले के ज़रा थोड़ा तोज्ह देने की ज़रूरत है कि जिस जगह नमाज़ पढ़ते हैं वो जगह पाक हो तो इस मसले में जिस तरह हमने देखा कि जिसम की कपड़ों की और जगह की पाकिदगी भी ज़रूरी है लेकिन इसमें यह है कि अगर आदमी भूल कर या लाआलमी से नमाज पढ़ लेता है उसको पता नहीं चलता कि मेरे किसी कपड़े में कोई नजासत लगी है और नमाज शुरू कर देता है और नमाज के दौरान ही उसको याद आता है कि मेरा फला कपड़ा नापाक है तो अगर तो कपड़ा ऐसा है जिसे नमाज़ में उतारा जा सकता हो बग़ैर किसी नमाज़ में ख़रल पैदा किए तो आदमी नमाज़ में ही उसको उतार सकता है और अपनी नमाज को जारी रखेगा जैसे कि रसूल करीम सल्लाम नमाज़ पढ़ा रहे थे तो आपने नमाज पढ़ाते पढ़ाते जूता उतार दिया आप की सुन्नत है आप अक्सर वेशतर जूता पहन कर नमाज पढ़ते और इसी पर आप सहाबा को भी तरगीब देते कि जूता अगर पाक है तो इसमें नमाज़ पढ़ा करो तो आपने जूता नमाज़ पढ़ते पढ़ते उतार दिया तो सहाबा क्राम आपके पीछे खड़े थे नमाज के लिए उन्होंने भी जब आपको देखा कि आपने जूता उतारा है तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए तो रसूल की स्म नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद पूछते हैं सहाबा से कि तुम लोगों ने जूते क्यों उतारे तो उन्होंने फ़रमाया कि हमने आपको देखा कि आपने जूता उतारा है तो हमने भी उतार दिए आप कि मेरे पास जब सलाम आए थे और उन्होंने आके फ़रमाया कि आपके जूते में नापाकी है फरमाया कि आपके जूते में नापाकी है तो इसलिए मैंने अपना इस जूता उतार दिया इस मसले से हमको क्या मालूम होता है इस हदीस से इस मतलण, इस मसले का पता चलता है कि अगर नमाज के दौरान ही आदमी को पता चल जाता है कि, कि किसी कपड़े में जूते में किसी चीज़ में नापाकी है तो उसको अगर नमाज के दौरान ही उतारना मुमकन हो तो उसको उतार दिया जाएगा और नमाज को जारी रखा जाएगा नमाज तोड़ेंगे नहीं फर्ज करो हम मिसाल देते यानी कि जूते के अलावा कपड़ों की कि पता चलता है कि रुमाल में नजासत है कोई शक नहीं कि रुमाल को आदमी बगैर किसी मुश्किल आसानी के बगैर किसी मुश्किल के उसको आदमी आ, आसानी से उतार सकता है तो अगर इसी तरह का और भी कोई कपड़ा है लेकिन अगर कोई कपड़ा ऐसा है कि जिसको उतारने के लिए आदमी को एक यानी कि ज़्यादा हरकत करने की ज़रूरत है और मुमकिन है कि कपड़ा ऐसा हो जो यानी अंडरवियर की शक्ल में या बुनियान की शक्ल में इस तरह की कैफियत में हो या पजामे की शक्ल में तो फिर उसको मुमकिन है उतारने के लिए आदमी को हरकतें ज़्यादा करना पड़े और उसको उतार कर दूसरा कपड़ा पहनना पहनना भी ज़रूरी हो तो फिर ऐसी हालत में क्या है कि वो नमाज को आदमी तोड़ देगा और अपने कपड़े तब्दील करके पाक कपड़े पहनकर दोबारा से फिर से नमाज को शुरू करेगा और अगर नमाज़ पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि जिसम में या कपड़े में या जगह जहाँ पर नमाज़ पढ़ी वो नापाक थी फिर क्या है क्या उस नमाज़ को दोहराएंगे या कि जो लामी की हालत में या इल्म तो था लेकिन भूल गया था आदमी यानी बाद अव पता है कि कपड़े में नापाक लगी है लेकिन नमाज़ पढ़ते हुए याद न रहा और उसी कपड़े में भूल कर नमाज़ पढ़ ली तो फिर उस नमाज़ का क्या, क्या हुक्म है क्या उसको दोहराया जाएगा या वो नमाज़ सही है उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है हमने जो भी हदीस आपको जिक्र की है रसूल अकूम की जूते में नमाज़ पढ़ने की और नमाज के दौरान ही जूता उतारने की इस हदीत से अखज़ किया है कि अगर जिसम में कपड़े में या जगह में नापाकी थी किसी वजह से आदमी को पता ना चल पाया या याद न रही और उसी हालत में नमाज़ पढ़ ली और नमाज के बाद याद आया तो उसकी नमाज़ सही है उसको नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रसूल की सलाम ने जूता उतार कर नमाज़ को आगे जारी रखा नमाज़ को दोहराया नहीं यानी कि आपने नमाज को तोड़ा हो और फिर दोबारा से शुरू किया हो इससे मालूम हुआ कि अगर आदमी भूल कर यमी से नापाकी के कपड़ों में इस वक्त की हालत में नमाज़ पढ़ लेता है तो उसकी नमाज़ सही है उसको नमाज़ दोहराने की जरूरत नहीं और ये मसला जो है वो पिछले मसले से इस लिहाज से मुख्तफ है कि तहारत वजू की तहारत की के या गसल की तहारत जो है वो ऐसी शर्त है कि जिसके बग़ैर नमाज नहीं है यानी फ़र्ज़ करें अगर आदमी ने बग़ैर वजू के नमाज़ पढ़ ली उसको नमाज के बाद याद आया कि उसका वजू नहीं था तो, तो उसकी भी क्या हम कहेंगे उसको नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं वहाँ पर नबी अकमला का फरमान है लातकबल सलात अदम सलातकम इहदफ़ फ़ात तववा कि अगर आदमी का वधु टूट गया वधु नहीं है और जब तक वधु नहीं कर लेता उसकी नमाज होती ही नहीं है तो इसलिए ने फ़र्क किया है वजू के अंदर वधु या गसल के मसले में और कपड़ों की या जिसम की तहारत के मसले में कि कपड़ों जिसम की तहारत में अगर आदमी भूल कर लाआलमी की वजह से नमाज पढ़ लेता है और बाद में पता चलता है या बाद में याद आता है तो उसकी नमाज सही है लेकिन वजू अगर नहीं था और उसके बगैर वजू के बगैर नमाज़ पढ़ ली तो उसकी नमाज़ सही नहीं बल्कि उसको वजू करना होगा और नमाज को दोहराना होगा आजकल के जो इस दौर के नए मसाइल इस मौू पर आए हैं उसमें यह है कि बात आदमी ने अपनी जेब में कोई नापाक चीज़ रखी होती है इन्हें खसूसा लिबार्टी टेस्ट के लिए कोई जेब में बोतल डाली है जिसमें पेशा पखाना कोई ऐसी चीज़ है जिस तरह के बाद अवकात ले जाते हैं लिबार्टरी टेस्ट के लिए तो वो चीज़ जेब में पड़ी है और उसी हाथ में नमाज पढ़ ली हाँ इसके लिए बारे में हुक्म क्या है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको निकालना होगा जेब से निकाल कर उसको अलग रखना होगा फिर नमाज पढ़ेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे लेकिन जिस तरह हमने जिक्र किया है कि अगर नमाज के दौरान नमाज पढ़ ली और बाद में याद आया कि जेब में कोई ऐसी नापाक चीज़ रखी हुई थी तो फिर उसकी नमाज़ सही है उसको नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह के हमने सबका ख्याखुलिया जिक्र किया है इसी तरह बाद मरीजों को पेशाब की या पेशाब पखाने के लिए कुछ थैली लगा दी जाती है यानी थैली लगा दी जाती है कि जिसमें पेशाब वगैरह उसका जमा होता है और फिर उसको वो निकालता है तो उसके बारे में वमा का फतवा है जिस तरह के शेख में बाज़ा रहमत बारे में बयान करते हैं अगर तो मरीज़ के लिए उस बीमार आदमी के लिए मुमकिन है कि नमाज से पहले उस थैली को उतार दे और नमाज पढ़ के फिर से वो थैली लगा ले अगर तो उसके लिए करना मुमकिन हो और ज़्यादा मुशक्त मुश्किल ना हो तो उसको ऐसा करना चाहिए कि नमाज से पहले उसको उतार दे और नमाज पढ़ के फिर से उसको दोबारा लगा ले। लेकिन अगर उस थैली को उतारना लगाना एक बड़ा मुश्किल तरीन काम हो या बल्कि बाद अव मुमकन ही नहीं होता जिसम के साथ इस तरीके से उसको अटैच किया होता है तो उसको उतारा नहीं जा सकता तो फिर आदमी उसी हाथ में नमाज़ पढ़ेगा चाहे वो थैली लगी हो जिसमें पेशाब खाना इस तरह की चीज़ हो तो उसी हाथ में नमाज़ पढ़ेगा और उसकी नमाज़ सही है इसलिए अल्लाह ताला का फरमान है फतः मस तुम कि अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारी ताकत है तो इस इंसान के पास इससे बढ़ कोई ताकत नहीं तो इसलिए अल्लाह से जितना डर सका है वो डरा है उसके बाद एक नंबर मसला में छठी शर्त जो है नमाज के हवाले से वो सत्र का ढांपना है नमाज़ में सत्र को ढांपना भी नमाज के शुरूत में से है और सत्र ढांपने का माना क्या है कि जिसम का वो हिस्सा जिसे नमाज में ढांकने का हुक्म दिया गया है और उसको जरूरी करार दिया गया है वो जिसम का हिस्सा ढका हो उसकी दलील अल्लाह ताला के फरमान में या बनी आदम ख़ुदो जीना तक मस्जिद ए बनी आदम आदम के बेटो हर नमाज के वक़्त अपनी जीनत लो हर नमाज के वक्त अपनी जीत लो और जीनत से मुराद लिबास लो और जो लफीमान लिबास का यहाँ पर और लबा ने जीनत से मुराद क्या लिया है वो लिबास है कि जो सतर ढाँपने के लिए है सबसे पहले वो लिबास इसमें आता है कि जो सतर ढाँपने के लिए उसके उससे बढ़कर मज़ीद जो बेहतर से बेहतर लिबास हो सकता है और यहाँ पर हमें एक और मसले की तंगी होती है कि हमें चाहिए कि नमाज के लिए बेहतर से बेहतर लिबास पहने बहुत से लोग वही कपड़े जो जिसमें सोता है आदमी या कोई इस तरह के यानी ऐसे कपड़े पहने होते हैं जिस जो जब पहन कर आदमी लोगों के सामने भी आने में शर्म महसूस करता है ऐसे कपड़े पहन के नमाज शुरू कर देता है तो ऐसा हकीकत में अल्लाह तदब के, के ख़िलाफ़ है खूस आज कल घरों में नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं और बस्तियों में जाते हुए तो लोग शायद कपड़ों का एहतमाम करते होंगे लेकिन घरों में इन चीज़ों का अहतमाम कम हो गया होगा तो ये चीज़ सही नहीं है नमाज़ के लिए कपड़ों का अहतमाम होना चाहिए बेहतर से बेहतर कपड़े पहनने चाहिए बात शरफ़ सारीन के बारे में आता है कि उन्होंने सबसे महंगा तरीन कपड़ा ख़रीदा किस लिए नमाज पढ़ने के लिए कि अगर मैं लोगों के सामने अपने आप को इन्हें खूबसूरत बना और अच्छे कपड़े पहन जाता हूँ तो मेरा रब सबसे ज़्यादा हकदार है कि उसके सामने खड़े होने के लिए बेहतर से बेहतर लिबास पहना जाए तो खैर बात कर रहे थे इस आयत के अंदर जो जीनत का लफज आता है उस जीनत में सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है सतर का ढांपना है सतर को ढांपना सबसे ज़्यादा इसमें बुनियादी शर्त है अब सतर क्या है अदीस के मुताबिक मर्द का सतर जो है वो नाफ से लेकर घुटने तक है मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटने तक है नाप भी ढकी हो और घुटना भी उसमें ढका हो तो नमाज के आत में इतना हिस्सा कम अज़ कम ढका होना ज़रूरी है अगरचि रसूल अकमल के अदादी हैं कि अगर कपड़ा मज़ीद और ज़्यादा हो तो कंधे भी ढके होने चाहिए कंधों पर भी कपड़ा हो लेकिन सहाबा कराम के उस दौर में फ़कर्र फ़ाक़े की कैफियत थी तो रसूल अकमल व्लम से जब कहा गया कि क्या सी कि नाप से घुटने तक ही ढकना काफ़ी है क्या दो कपड़े जरूरी नहीं हैं तो आपने माँ क्या दो सभी के लिए दो दो कपड़े हैं तो कहने का मकसद असल जो फ़र्ज करा दिया गया है जो ज़रूरी करा दिया गया है वह नाप से घुटने तक है लेकिन अगर कपड़े ज़्यादा हों तो जिस तरह हमने अर्ज़ किया है कि बेहतर है और अफज़ल है कि इंसान का बेहतर से बेहतर लिबास पहनना नमाज के लिए और औरत का सतर क्या है औरत के सतर के हवाले से यह है कि उसका चेहरा नमाज के हालत में उसको खुला रख सकती है जहाँ पर गैर महरम लोग ना हों औरत अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर गैर महरम लोग नहीं हैं तो अपना चेहरा खुला रखने में सभी उलबा का इतफ़ाक़ है कि अपना चेहरा खुला रख सकती है हाँ हथेलियाँ भी अपने दोनों हाथ भी खुला रख सकती है नहीं रख सकती उसमें उलमा का अखिलाफ है और इबन वी रम्ह फरमाते हैं कि एहतियात का तकादा यही है कि हथेलियों को भी ढक लिया जाए क्योंकि यानी कि अहादीस में अल्लाह के नबीम ने क्या फरमाया है अलमरत रात जो है पूरी की पूरी परदा है तो इसमें यानी कहते हैं एक एहतियात का तकादा यही है कि अगर हथेलियाँ में ढक ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है अगर जे जमहूरलमा का कहना यही है कि औरत को हथेलियाँ ढकने की ज़रूरी नहीं है अगर उसके आसपास गैर महरम लोग ना हों तो अपने हाथ और चेहरे को खोल सकती है और उसके अलावा कदम के हवाले से पाँव के हवाले से औरत के के क्या उसको भी ढकना ज़रूरी है या ढकना ज़रूरी नहीं है तो जमहूरलमा और जब जमहूरलमाँ का नाम लेते हैं हम तो उम्मत के ज़्यादातर उनका यही फतवा है कि औरत को अपने पाँव भी ढकना चाहिए नमाज के हाथ में पाँव भी उसके ढके होने चाहिए और इसी कौल को इबनबाज़ बाद ला ने तरजीह दी है और उसकी दलील जो है वो हदीस है जिसमें रबीकम ने फरमाया कि अगर औरत एक ही कपड़े में एक ही उसकी जो यानी अबाया है या उसका बुरका है जो भी है उसके नमाज़ पढ़ती है तो पढ़ सकती है बशरत कि उसके पाँव का ऊपर का हिस्सा ढका हो पाँव के ऊपर का हिस्सा डका हो तो उसमें पड़ सकती है अगर से बात दूसरे ने जिस तरह के कीमा अहनाफ और इबिन तमाम रमत और इस तरह इबैमिन तो रमतल ने तरजीह दी है कि पाँव का ढकना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हम यहाँ पर एक बात अर्ज करेंगे कि जो मसाइल इजतहादी किस्म के मसाइल हैं और इजतहादी होने का माना कि या तो उस मसले पर कोई दो टोक दलील नहीं है या उसमें दोनों तरफ ही दलीलें हैं जो दोनों कौल वाले अपनी अपनी दलील बना सकते हैं और दलीलें भी सही हैं तो ऐसे मसाइल जो इतिहादी किस्म के मसाइल हैं जिसमें वाज और दो टोक तौर पर कोई हदीस या दलील नहीं है कुछ सराहत नहीं है और को उसमें इख्तलाफ है हमें उसमें क्या करना चाहिए हमें एहतियात का पहलू एहतियात करना चाहिए एहतियात करना चाहिए कि एहतियात किस में है अगर एहतियात उस चीज़ के करने में है तो उसको करना चाहिए अगर एहतियात उसको ना करने में है तो उसको छोड़ना चाहिए यह है हमें जिस तरह के मौ मौक़ों पर यानी तो कि जो हमें मौक़ करने की ज़रूरत है क्योंकि एहतियात में ही इंसान की ज़िम्मेदारी भी अदा हो जाती है और उलमा के जो इख्त हैं उससे भी आदमी निकल जाता है निफर्द करें हम अगर बात कर रहे हैं औरत का नमाज के अंदर अपने हाथों और पाँव को ढकना अगर औरत हाथों पाँव को ढक लेती है तो किसी आलम का किसी मुफ्ती का फतवा नहीं कि उसकी नमाज सही नहीं लेकिन अगर नहीं ढकती तो बाद का कहना है कि उसकी नमाज़ सही नहीं होगी और हाथों या पाँव को खोल कर नमाज़ पढ़ना उसके लिए जायज़ नहीं होगा तो कहने का मकसद ऐसे मसाइल पर हमें चाहिए कि वो तरीका इख्तियार करें कि जिसमें इख्तलाफ़ से निकल जाएँ अख्तिलाफ़ से बच जाएँ और एहतियात का पहलू इख्तियार करें तो बात कर रहे थे कि छठी शर्त नमाज के लिए क्या है सतर को ढापना और उसके बाद सातवीं शर्त जो है नमाज का वक़्त दाखिल होना नमाज़ का वक़्त दाखिल होना क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है इन सलाह तक का ना अलम्मी किताब अम्मकूत बेशक नमाज ममरों पर मकर्र अवात में अदा करना फ़र्ज़ की गई है और नमाजों के अवत ख़ुद अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल वम को सिखाए जब साम दो दिन आपके पास आते रहे और आपको जमातें करवाते रहे और आपको नमाजों के शुरू होने के अवात भी और बाद नमाजों के ख़त्म होने के अवात भी बताते रहे तो इसमें उलमा का इतफाक़ है कि नमाज का वक़्त शुरू होने से पहले अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो उसकी नमाज नहीं होती अगर नमाज का वक़्त शुरू ही अभी तक हुआ और शुरू होने से पहले वक्त शुरू होने से पहले नमाज अदा कर लेता है तो उसकी नमाज नहीं होती तो नमाज के सही होने के लिए शर्त है कि नमाज का वक़्त दाखिल हो फ़र्ज़ करें कि जिस तरह हम फजर की नमाज की मिसाल लेते हैं तो जब तक फजर तुलू नहीं हो जाती उस वक़्त तक आपको फजर की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है अगर कोई शख्स फजर तुलू होने से पहले ही फजर की नमाज़ पढ़ लेता है तो उसकी नमाज बातल है उसको नमाज दोहराना होगी इसलिए कि उसने उस नमाज़ को उस वक़्त में पढ़ा जो जिसका अल्लाह का जो अल्लाह का हुक्म नहीं था तो इस पर नमाज का इतफाक़ है कि अगर कोई नमाज को वक्त दाखिल होने से पहले पढ़ देता है तो उसकी नमाज़ सही नहीं उसे उस नमाज़ को वक्त पर पढ़ना होगा दोहराना होगा और खसूस ये मसाइल आज कल तो सभी के लिए है मरद औरतों के लिए लॉकडाउन के इस दौर में कि जबकि अक्सर बेशतर मसले बंद हैं घरों में नमाज़ें पढ़ी जाती हैं तो ज़रूरत है हमें कैलेंडरों को देख कर या अल्लाह के फसल से अदानें हो रही हैं अदानों पर तोज्जो रखें तो अदान के बाद नमाज़ पढ़ी जाए या कम अज़ कम कैलेंडर को देखा जाए और अगर आज़ा नहीं सुनाई देती तो कैलेंडर को देखें कि कब नमाज़ का वक़्त शुरू होता है और उस वक़्त के शुरू होने के बाद नमाज अदा की जाए तो ज़रूरी है कि नमाज वक्त में दाखिल होने के बाद हो उससे पहले ना हो और क्या इसमें यह भी है कि अगर कोई आदमी वक़्त निकलने के बाद नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज का हुक्म क्या है यानी आदमी फजर की नमाज का वक़्त कब तक है शुरू होता है फ़ज होने से और ख़त्म होता है सूर होने से तो अगर कोई आदमी जानबूझ कर बगैर उधर के फ़जर की नमाज़ को लेट कर दिया उसने उसको फ़ौत कर दिया हती कि सुर निकल आया उसके सूर निकलने के बाद वो नमाज़ पढ़ता है तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी यहाँ पर इबिन और बाद मुहिकमा का कह है जिस तरह कि मे तैमिया का भी यही कौल है फरमाते हैं कि जो शख्स बिला उजर बगैर किसी शरी उदर के नमाज को निकाल देता उसके वक़्त से हती कि उसका वक़्त ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ नहीं होती इस लिए क्योंकि ने नमाज़ों के अवात मुकर्र किए हैं और इसने नमाज़ को उस वक़्त पढ़ा है जो अल्लाह की तरफ से मुकर शुदा नहीं है और नबीक मसम का फ़रमान किया है मन आमिलमन सर अमरूनफरद कि जिस शख़्स ने वो अमल किया जो हमारा हमारी तरफ से नहीं है जिसके हमारी तरफ से एजाज़ नहीं है उसका अमल मरदूद और नाकबिलबूल है तो फर्ज करें कि जो आदमी बग़ैर उधर के सूर्य निकलने के बाद नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी क्योंकि उसका इस वक्त नमाज़ पढ़ना अल्लाह का हुक्म नहीं है अल्लाह ने फजर की नमाज़ को सूर्य निकलने से पहले पहले पढ़ने का हुक्म दिया है हाँ जिसका शर् उजर है और बात है आदमी बाई चांस कभी सोए रह गया किसी और वजह से उसको सूर्य निकलने से पहले नमाज़ पढ़ने की वो मौका ना मिल सका या कोई ऐसा मामला हुआ तो उसको वो अल्लाह के यहाँ है लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो बग़ैर उधर के और उन्हीं बगैर उधर वालों में वो भी लोग शामिल हैं कि जो अलार्म ही सूर्य निकलने के बाद का लगाते हैं और सूर्य निकलने के बाद उठ कर नमाज़ पढ़ के अपने हाथ मुँह धोकर ड्यूटी को चले जाते हैं तो उनकी इस वक्त की पड़ी हुई नमाज जो है उसकी कोई हैसियत नहीं वो अल्लाह के यहाँ नाकबले कबूल है क्योंकि उस उनका इस वक्त नमाज़ पढ़ना अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है और ये वो मसला है कि जो बहुत से लोग इसमें शिकार हैं और इसमें कोताही और लापरवाही करते हैं इसको समझने की ज़रूरत है कि नमाज तभी काबिल कबूर है जब उस वक्त पे अदा होगी कि जो अल्लाह ने वक्त मुकर किया है ना उस वक्त से पहले होगी और ना उसके बाद होगी और उसके बाद अगर बैर उधर के है फिर कबूल नहीं होगी लेकिन अगर कोई शरी उधर है तो अल्लाह ताफ़ करने वाला है उसके बाद आठवीं शरत है एक सौ आठ नंबर मसला में इस्तबाल कबिला कि किबिला की रुख करना किबला का रोह यानी किबला की रुख करना नमाज में जिसके बारे में अल्लाह तआला का फरमान है फोल वजह का शतमस्जरामी वैसम तुम फोल वजुकम शतरा कि अपना चेहरा चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेरो और जहाँ कहीं भी तुम हो अपने चेहरों को मस्जिद हराम ही की तरफ़ फेरो तो नमाज़ में मुसलमान पर फ़र्ज किया गया है कि उसका चेहरा मस्जिद हराम यानी किबला की तरफ़ बैतुल्लाह की तरफ हो और ये भी जिसने हमने ज़िक्र किया है कि नमाज के शुरूत में से है नमाज फ़र्ज़ हो या नफल हो अगर आदमी ज़मीन पर खड़े होकर नमाज को अदा करता है सवारी पर नहीं है तो नमाज फ़र्ज़ हो या नफल हो सभी पर फर्ज और ज़रूरी है कि उसका रुख जो है वो किबला की तरफ़ हो अब कबला को मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए अगर तो आदमी अपने शहर में रहता तो उसको पता है कि किबला किस तरफ है अपने इलाके में है तो उसको पता होता है किबला किस तरफ है उसके लिए कोदर नहीं है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है लेकिन वो शख्स जो किसी इलाके में नया हो सफ़र में हो या किसी नई जगह पर जाता हो और उसको पता ना हो कि किबला किस तरफ है तो अगर तो वहाँ पर आबादी है लोग रहते हैं तो उसको पूछना चाहिए लोगों से मस्जिदें हैं तो मस्जिदों को देखना चाहिए कि मस्तुओं के महराब और उनकी समतें किस तरफ़ हैं जिसे पता चल जाएगा कि कबला किधर है लोगों से मालूम कर सकता है और हम मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात नहीं करते क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किसी के पास होती किसी के पास नहीं होती और कभी होती कभी, होती, कभी नहीं होती वरना तो आज की टेक्नोलॉजी में अहमदिल्ला ये अल्लाह ताला की तरफ से जुदी हुई आसानियाँ हैं आप कहीं पर भी क्यों ना हो आप मोबाइलों के ज़रिए और ऐसी गड़ियाँ हैं और इस तरह की चीज़ें हैं कम्पास वग़ैरह के जिसे कबला की समत मालूम कर लेते हैं लेकिन इसके बगैर भी हम बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों के बग़ैर भी आप जो है फ़र्ज बनता है कि आप लोगों से पूछें अगर लोग वहाँ पर मुसलमान रहने वाले हैं मस्जिदों का रुख देखें अगर मस्जिदें वहाँ पर हैं अगर कोई लोग नहीं आबादी नहीं या कोई मुसलमान नहीं काफ़र है वहाँ पर या कोई मस्या नहीं है तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे अगर दिन का टाइम है तो सूरज की समत से सूरज की से मालूम कर सकते हैं रात का टाइम है तो बाद का सितारों से इस तरह की चीज़ों से मालूम कर सकते हैं और बाद वो लोग वो भी लोग हैं जो हवाओं के रुख से यानी कहने का मकसद मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं कि जिससे कबला की समत मालूम होती है तो अगर आदमी किसी ऐसी जगह पर हो कि जो उसके लिए नई जगह हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने से पहले कबला की समत मालूम करे और फिर मालूम करने के बाद नमाज पढ़े और इसका मानना यह है कि अगर बग़ैर किसी ने बगैर समत मालूम किए नमाज़ को देखा कि नमाज का वक़्त हो रहा है और जिधर भी उसका मुंह आया उसके मुंह उठा के नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद पता चला कि उसकी नमाज जो है कबला की तरफ नहीं थी उसका रुख तबला की तरफ नहीं था तो ऐसे शख्स की नमाज़ नहीं होगी उसकी नमाज़ दोहराना पड़ेगी यानी तबला की रुख करने के शर्त होने का माना क्या है वो ये माना है कि अगर किसी ने बग़ैर किबला की समत मालूम किए बग़ैर उसकी तहकी किए उसने मुँह उठा के नमाज़ पढ़ ली जिधर भी मुँह आया तो उसकी और किबला उसके, उसके उसका मुँह किबला की तरफ नहीं था तो उसकी नमाज नहीं होगी लेकिन एक आदमी ने कोशिश की तलाश करने की मालूम करने की और फिर उसको ग़लती लग गई या ग़लत उसको बताया गया गलत किया गया या किसी तरीके से उसको ग़लती लग गई और उसकी नमाज किबला की तरफ नहीं थी किबला की तरफ नहीं था तो ऐसे आदमी को नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं उसकी नमाज़ सही है उसकी दलील क्या है उसके दलील सहाबा इक का बयान करना है कि हम एक रात में थे जो रात अंधे यानी कि बादल बादल थे छाए हुए आसमान पर सितारे भी नजर नहीं आते थे और बादल छाए हुए थे तो हमने अपने तौर पर कोशिश की कबिला मालूम करने की और जो उनके यानी कोशिश के बाद जो उनके जेहन में आया उन्होंने उधर नमाज़ पढ़ ली तो जब सुबह होती है तो पता चलता है कि उनका नमाज़ का रुख जो है कबिला की तरफ नहीं था तो रबी अकमिल को जब बताया गया तो आपने उनको नमाज़ दोहराने का हुक्म ना दिया उनकी नमाज़ को सही करार दिया किस लिए कि उन्हें कबला मालूम करने की कोशिश की थी लेकिन कोशिश के बावजूद वो सही समत मालूम ना कर सके तो बात कर रहे थे किबला कि की तरफ तो करना अगर आदमी सवारी पर नहीं है जमीन पर उसके लिए परफ़र्द है कि वो कबला की तरफ तो रुख करके नमा, कर नमाज़ पढ़े चाहे नमाज फर्द हो या नफल हो या सुन्नत हो लेकिन अगर सवारी पर है तो फ़र्जों के हवाले से तो सवारी पर भी इंसान परफ़र्ज है कि वह हदमकान तो कोशिश करे कि सवारी पर नमाज़ पढ़ते हुए उसका रुख कबला की तरफ हो जहाज़ पर है ट्रेन पर है बस पर है अपनी गाड़ी पर जैसे भी और गाड़ी रोक नहीं सकता नमाज के लिए और गाड़ी में ही या उसी सवारी में उसको नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है तो अगर मुमकिन है उसके लिए किबला की तरख करना सीट का रुख ऐसा हो या सीट पर इस तरीके से बैठा जा सकता हो या सवारी पर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आदमी किबला की तरफ करके नमाज़ पढ़ सके पढ़ सके तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ़र्जों में फ़रज़ में वो किबला की तरफ रुख करे लेकिन अगर उसके पास कोई जगह नहीं है और उसके पास वही सीट है जिस पर बैठा है उसमें उसके लिए उसको अपना चेहरा भी तब्दील करना मुमकिन नहीं है तो फिर उसके लिए क्या है कि अगर नमाज का वक़्त निकल रहा है उसको नमाज़ पढ़ना है इसी सवारी पर ही तो फिर उसका जिधर भी रुख होगा वो नमाज़ पढ़ लेगा क्योंकि उसके लिए इस हालत में यही करना मुमकिन है और अगर फ़र्द नहीं है नफल है हम बात करें सवारी के हवाले से अगर फ़र्द नहीं नफल है तो नफल में क्या है नफलों में रसूल करीम सल वम की सुनत है कि आप सफ़र के दौरान अपनी सवारी पर बैठे जिधर भी सवारी का रुख होता आप नवाफल पढ़ते रहते यानी अगर चाहे किबला फ़र्ज करो मगरब की तरफ होता और आप मशरक़ को जा रहे होते तो आप सवारी का जधर भी रुख होता आप सवारी पर बैठे नफल पढ़ते रहते सवारी का रुख किबला की तरफ किए बग़ैर तो कहने का मकसद अगर नफल है नफल नमाज है तो उसमें हमें इस बात की छूट है कि हम सवारी पर बैठे जिधर भी सवारी का रुख हो नमाज़ पढ़ सकते हैं लेकिन फ़राज के हवाले से यह है कि असल तो यह है कि ज़मीन पर उसको सही तरीके से अदा किया जाए लेकिन अगर सवारी पर अदा करने की ज़रूरत पेश आती है तो कोशिश हो कि किबला की तरफ रुख हो जाए लेकिन अगर नहीं हो सकता मुमकिन नहीं है तो जिधर भी रुख होगा उसी हालत में नमाज़ पढ़ना होगी इसी तरह जिस हालत में किबला जो है ये उसके साकत हो जाता है वो जंग जंग और डर खौफ की हालत में है अल्लाह ताला का फरमान फरमान है फिर खेफ तुम फरिजानन और कि अगर तुम डर खौफ की हालत में हो तो तुम चाहे सवार हो या पैदल हो जैसे भी तुम हो उसी हालत में नमाज़ पढ़ो तो जंग की हालत में भी नमाज माफ़ नहीं है नमाज पढ़ना है और उसमें यह होता है कि आदमी का भेद जिधर भी रुख हो अगर केविला की तरफ़ करना उसके लिए मुश्किल हो नामुकन हो तो उधर का जदर भी उसका रुख हो नमाज़ पढ़ सकता है तो अल्लाह का लिहाल एक सौ आठ नंबर में या आठवीं शरत उनबला की रफ्व करना नमाज के लिए ज़रूरी है उसके बाद एक सौ नौ नंबर मसला में नौवीं शर्त है कि जिसमें है नीयत नमाज के लिए नीयत करना और ये आयन तकबीर तहरीमा कहने के साथ होती है तो नमाज के लिए नीत कर नीयत करना ज़रूरी है क्योंकि नबीकाम का फरमान है इन मलामीयात के अमलों का दार व मदार नीयत पर है कि नमाज के लिए नीत का होना ज़रूरी है लेकिन नमाज के लिए नीयत कैसे हो हाँ नमाज के लिए नीयत जो है वो उसी तरह से हो जिस तरह के नबी करीम अलैहि वसल्लम ने की है आपने नमाज़ भी पढ़ के लोगों को दिखाई और फायक के सल्लुकमार आई तुम्हें उसली ऐसे ही तुम भी नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो नीयत करने का भी हुक्म दिया तो हमें देखना होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ने के लिए नीयत करते थे तो कैसे करते थे क्या जबान से कोई अल्फाज बोल के कहते थे कि मैं चार रकत नमाज वहर पीछे इमाम के या इमाम के तौर पर पढ़ाता हूँ या आपके पीछे साहब क़राम को इस तरह के अल्फाज कहते थे अरबी में कहते हों या हर जब साहबी की जो मुख्तान फ़ारसी की फारसी ज़बान थी वो फ़ारसी में कहते होंगे हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती नबी करीम सलीसम ने नीयत करने का हुक्म दिया और इसकी ताकीद की और यकी तौर पर आपने नीयत की नमाज़ों की सहबा इक्राम ने भी की लेकिन नीयत उस तरह से की जिस तरह से नीयत करने का तरीक़ा है क्योंकि नीयत का माना इरादा है और इरादे का ताल्लुक दिल के साथ होता है ज़बान के साथ नहीं होता तो दिल की नीयत होती है दिल के इरादे से नम, नमाज पढ़ेंगे आप जो है फ़र्ज करें फ़जर की नमाज़ के लिए घर से निकलते हो आज़ान होने के बाद मस्जिद जाते हो तो इस वक्त आपके दिल में क्या नीयत है कि आप कौन सी फ़जर के टाइम कौन सी नमाज़ पढ़ने जा रहे हो क्या जोहर की या असर की यकीनी तौर पर फ़जर की नमाज़ है हाँ मस्जिद में पहुँच कर अगर आपने सुनते नहीं पढ़ी अभी नमाज़ शुरू नहीं हुई तो आप नमाज शुरू फ़र्द शुरू होने पहले से क्या पढ़ रहे हो क्या फ़र्द पढ़ रहे हो नहीं सुनते पढ़ रहे हो आपके दिल में सुनते हो नीयत होनी चाहिए उसके बाद जब फ़राज शुरू होते हैं तो फ़राज की दिलियत नीयत दिल में होनी चाहिए तो कहने का मकसद नीयत होना ज़रूरी है लेकिन नीयत का ताल्लुक जबान से नहीं है नीयत का ताल्लुक दिल से है रसूल करीम सल वसलम साहब अ कराम आयकर तब इन किसी से नीयत के अल्फाज ज़बान से कहना साबित नहीं है और इस तरह से करना अल्लाह के नबीम की सुनत के ख़िलाफ़ है उसके बाद एक सौ दस नंबर मसला में हमने जिक्र किया है नौशरतें नमाज की जो पूरी करने के बाद कि मजकूर बाला हैं ज शर्तें जो हैं शर्ते है अगर कोई आदमी को शर्त पूरी ना कर सके किसी शर्त को पूरा करने से आजिज़ हो जाए यानी कोई भी चीज़ हो जिस तरह के तहारत का मसला ले लीजिए कपड़ों की पाकि का मसला ले लीजिए जिसम का पाक होने का मसला हो किबरा की तरफ रुख ना कर सकता हो या सत्र को ना ढांप सकता हो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करने पर इंसान क़ातिर ना हो तो क्या फिर वो नमाज़ नहीं पढ़ेगा हमने बहुत से जाहलों को देखा है कि जब उनको कहा जाता है कि नमाज पढ़ो कहते कपड़े नापाक हैं भाई नापाक कपड़े तो उनको पाक करो भी कपड़ों को चेंज करो तब्दील करो अब ये थोड़ा है कि कपड़े नापाक हैं तो इतना अजीम फरीदा छोड़ देंगे तो हकीकत में बात यहाँ पर बहुत अहम बात है जो समझने की है वो ये है कि जब नमाज़ का वक़्त हो जाता है नमाज़ फ़र्द हो जाती है नमाज़ इंसान को मुसलमान को चाहिए कि वह नमाज़ अदा करे उसके वक़्त के निकलने से ख़त्म होने से पहले पहले और ज़रूरी है कि इन शराइत को पूरा करे लेकिन अगर कोई शर्त पूरी नहीं कर सका कपड़े उसको पहनने के लिए ना मिल सके जिससे सत्र ढाँपे कपड़े तो मिलते हैं लेकिन कपड़े नापाक हैं वजू करने के लिए पानी ना मिल सका तमुंग करने के लिए हती कि मट्टी भी ना मिल सकी कुछ भी उसको इस तरह की कोई भी कैफियत उसके साथ पैदा होगी किबला का उसको मालूम ना हो सका कि किबला किस तरफ है या किबला की तरफ रुख रुख करना उसके लिए मुमकिन ना रहा तो फिर क्या है आदमी जिस हालत में है उसी हालत में नमाज पढ़ेगा यानी उसको हुक्म है कि जितना मुमकिन हो वो इन शराइ को पूरा करने की कोशिश करे इनको हासिल करने की कोशिश करे लेकिन जो है अगर कोई चीज़ नहीं कर सका तो जिस जिस तरह उसकी कैफियत हालत होगी उसी हालत में नमाज़ पढ़ेगा उसको नमाज को वक़्त से निकालने की इजाज़त नहीं है सवाए उस नमाज़ के जो नमाज बाद वाली नमाज के साथ जमा होती हो गौर कीजिए कि अगर तो नमाज ऐसी है कि जिस जो जो उसी वक्त की है उसको उसी वक्त पढ़ना है वो उसको अगली नमाज के साथ जमा नहीं किया जा, जा किया जा सकता जिस तरह कि की फजर की नमाज़ है तो फिर तो हम उसको उसी वक्त में पढ़ेंगे आदमी को फ़र्द करो बीमार आदमी है बिस्तर पर पड़ा है उसके कपड़े नापाक हैं कपड़ों को तब्दील करने वाला कोई नहीं चेंज करने वाला कोई नहीं और नमाज का वक़्त ख़त्म हो रहा है सूर निकलने वाला है तो वो बीमार आदमी उसी हाथ में नमाज़ पढ़ेगा बीमार आदमी बिस्तर पर पड़ा है उसका रुख किबला की तरफ नहीं है और कोई उसको पलटाने वाला उसकी करवट बदलने वाला कोई नहीं ना वो खुद बदल सकता है और उसी हाथ में पड़ा है उसको उसी हाथ में नमाज़ पढ़ना होगी तो कहने का मकसद मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ कि इन शराइत को पूरा करना ज़रूरी है क्योंकि नमाज इन इनके बगैर नहीं होगी लेकिन अगर आदमी किसी एक शर्त को ना पूरा कर सका या कोई एक शर्त कोई कई शर्तें उसकी रह गई ना पूरी कर सका तो फिर उसको हुक्म है कि उसी हाथ में नमाज़ पढ़े क्योंकि अल्लाह ताली का फरमान क्या है फतः मस्त से डरो जितनी तुम्हारी डरने की ताकत है तो नफ वक्त निकलने से पहले पहले नमाज को अदा करना होगा लेकिन अगर वो नमाज ऐसी है कि जिसको बाद की नमाज के साथ जमा किया जा सकता हो जिस तरह के जहर की नमाज जिसको असर के साथ पढ़ा जा सकता है मगरब है जिसको ईशा के साथ पढ़ा जा सकता हो तो फिर वलमा ने कहा है कि फिर आदमी को इजाज़त है कि वो पहली नमाज को लेट कर दे हती कि दूसरी नमाज का वक़्त दाखिल होने के बाद उसको पढ़ ले कि जब वो उस शर्त को हासिल कर सके कपड़ों की यानी कि पाकी का हो मसला हो या सतर को ढांपने का मसला हो कोई भी हो उसको हासिल कर सके तो उसको इजाज़त है कि उसको पहली नमाज को लेड करके दूसरी नमाज के साथ पढ़ सकता है वरना असल यह है कि हर नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ा जाए और इन शरूत को पूरा करते हुए पढ़ा जाए फिर से दोहराते हैं आज की कि आज हमने जिक्र किया है सबसे पहले वाजबाती नमाज का कि जिसमें मा ने आठ वाजबात का जिक्र किया है तकबीरात जो है तकबीर इंतकाल जिसको कहते हैं तकबीर ऊला के अलावा अल्लाह सम अल्लाहमिदा और लकल हमद कहना रकू और सजदे के अजकार सुबहान रबीआजीम और सुबहान रबीआला कहना और दोनों सजदों के दौरान बैठ कर दुआ पढ़ना रबली और तिशाहत बैठना और तिशाउत की दुआ पढ़ना ये आठ वाजबात ने जिक्र किए हैं उसके बाद हमने नौ शर्तें जिक्र की हैं कि जिनका इजमानी तौर पर फिर से जिक्र करते हैं कि सबसे पहले यह है कि आदमी सही अकीदा मुसलमान हो और दूसरी शर्त यह है कि अक्लमंद हो यानी पागल मजनून या बेहोशी की कैफियत में ना हो और तीसरी के तमीज़ ऐसा बच्चा हो कि जो समझदार हो उसको पता हो कि नमाज के अहकाम क्या हैं और चौथी शर्त के तहारत हो तहारत से मुराद यानी वजू अगर गसल की जरूरत है तो गसल किया जाए अगर वजु गसल नहीं कर सकता तो तयम करे और इस तरह जिसम की कपड़ों की और जगह की पाकिजगी होना और छठी शर्त शतर का ढापना और सातवीं शर्त नमाज के वक़्त का दाखिल होना और नमाज को वक्त में अदा करना और आठवीं शर्त जो है बिला रुख होना और नौवीं शर्त जो है वह नीयत का होना और फिर आखिर में हमने ज़िक्र किया है कि इन शरुद को पूरा करना ज़रूरी है लेकिन अगर आदमी कोई शर्त पूरी ना कर सके उसकी कोई शर्त पूरी ना हो सके और नमाज का वक़्त निकल रहा हो तो उसको फिर हुक्म है कि उसी आदमी उस नमाज को अदा करे तो ज़रूरत है इन मसाइल को अच्छी तरह समझने की कि जिन पर हमारी इन पाँचों अकात की नमाज़ों का दारदार है और जो इस्लाम का अहम तरीन ये फरीजा है कि जिसमें ग़लती की वजह से लाइमी की वजह से बहुत से लोग यानी मुमकन है ऐसी गलतियाँ कर जाते हों कि जिससे उनकी नमाज़ें बादल होती हों तो इससे हमें पता चलता है कि हमें किस कदर ज़रूरत है इन मसाइल को सीखने की जानने की मालूम करने की और लोगों को बताने की बार हूँ मज़ाक ख़ैर